खा पी सकते हैं और लुक एट द व्यू, यू नो, लुक एट गाइस, रिसोर्ट भी इस जगह की तरह बहुत प्रीटी है। हे गाइस, सो अभी हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, तो हमारा सब बैगिंग सब चेक हो गया है और बोर्डिंग पास भी चेक हो गया है। बोर्डिंग पास भी हमने ले लिया है और हमारा अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट से सीधा कराबी की फ्लाइट है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। तो अब ये व्लॉग हम कराबी में दिखाएंगे। तो गाइस, अभी मैकडी में खाना खाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊं, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ खाया है। गाइस, अब कराबी पहुंच गई आपसे बात करने। सो फाइनली गाइस, वी आर इन कराबी राइट नाउ। अब कराबी के एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। हम भी घूमने के दीवाने और रिसोर्ट भी हमारी तरह दीवाना, और क्या चाहिए। सो वी आर वेटिंग फॉर टैक्सी। गाइस, कार इज हियर और हम सब लगेज लेकर चलते हैं। हम ऑटोमेटिक ऊपर हम लोग अभी बस में बैठ चुके हैं। अब कभी भाई क्या बोलना चाहते हैं, थोड़ा रूम में जाके पड़ेगा, थक गए बहुत, सो के हम निकलेंगे बाहर। बैक टू बैक फ्लाइट अटेंड कर करके पहले तो मैं जाऊंगा पूल में। पूल में थोड़ा स्विमिंग करूंगा। मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ नहीं पहले जाएंगे। बैक टू बैक हर तीन दिन में हम फ्लाइट चेंज करते हैं। दो दिन में, नॉट तीन दिन, दो तीन दिन ना, जो भी है फ्लाइट चेंज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड टूर पे निकल चुके हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है अभी हमें, क्योंकि दो दो तीन तीन दिन में हम फ्लाइट चेंज कर रहे हैं और कहीं पे कहा है। रिसोर्ट भी इस जगह की तरह बहुत प्रीटी है और लाइक यू नो बहुत ही बढ़िया रिसोर्ट है ये जो मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। हमने आइलैंड पे इसीलिए रिसोर्ट बुक करा है, ये सब जगह पे तो होटल में रुकते ही है, बट आइलैंड पे रिसोर्ट में रुकने की कुछ मज़ा ही अलग है। हम लोग अभी जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में जंप करने, और मैं आपको पूरा रिसोर्ट का टूर भी दूँगा आगे। तो पहले रूम में चलते हैं, चेक इन करते हैं, उसके बाद में टूर। ऑल्सो सेकंड पूल इज हियर, आई कैन शो यू। या सो फुल टाइम 7 in the morning. 10 in the morning. 9 in the morning. 9 in the morning. Okay. So this is our room. Yes. So guys, this is our room. I don't have a word. So guys, मेरे पास लव्स नहीं है इस चीज को देखने के बाद। और दिस इज अवर रूम फॉर टू डेज एंड वी आर हियर राइट नाउ एंड द टब इज एंड जकूजी ऑल थिंग इज द किंग साइज बेड या ओके थैंक यू ओह हाउ यू फील अबाउट दिस नो स्पीचलेस रूम बंद है नो प्रॉब्लम Leave it. Slowly come back.
थैंक यू। अदनान मैं तेरे वो दो है, ये भी है वो भी है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरा रिसॉर्ट है और ये कबीर भाई नहाने जा रहे हैं और एज यू कैन सी गुड प्लेस गुड वाइब। तो चलते अंदर। ये भाई देखो हमारे तैयार हो गए नहाने भाई। अरे ऐसा कुछ लुक है यहाँ का स्विमिंग पूल में। लाइट्स बहुत अच्छी फीलिंग आती है स्विमिंग पूल में लाइट्स होना। तो ये रहा हमारा ये बार है। यहाँ सीट करके कुछ भी खा पी सकते हैं और लुक एट द व्यू, यू नो लुक एट द व्यू। तेरी आँखों का काजल नाम है ले हम कभी तुझे इतना प्यार करूं। तेरी खुशियों की खातिर दुनिया में दूरी एक पल में वार। तो वे दीवाना रिसोर्ट दीवाना बना दे ऐसा रिसोर्ट है। दीवाना रिसोर्ट दीवाना बना दे उनको। दीवाना बना दिया। ओह वाओ लुक एट दिस सो प्रिटी। हम रिसोर्ट के आउटसाइड आ गए और स्ट्रीट पे खाना खाने आए हम लोग। तो देखते हैं स्ट्रीट पे कौन सा खाना कहाँ अच्छा मिलता है। इस होटल में जो अंदर रूम में पहनने के चप्पल में बाहर पहन के आया हो क्योंकि मैं चप्पल लेके नहीं आया हूँ। तो इधर कहीं से बाई कर लूंगा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की हर एक चीज अमेजिंग होगी ऐसा लगता है मुझे क्योंकि अभी तक हमारे साथ जो भी चल रहा है सब अमेजिंग हो रहा है। बस परसों तो वापसी है। सेवा करने का मौका छोटों का जो बोलते हैं हम लोग। नो बडी इन अ बीच। वी आर इन बीच एंड नो बडी इन अ बीच।